1 मिनट, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट भी हो गए हैं। चलिए फोन को बाहर निकालते हैं। लेट्स चेक आउट, क्या फोन में लिक्विड गया है कि नहीं गया है। वन प्लस में भरोसा नहीं करता, जब से वन प्लस 9 प्रो IP68 हो गया, लिक्विड टेस्ट में सॉर्ट ऑफ फेल हो चुका है, बट स्टिल लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए। हियर वी गो। सिम ट्रे में हल्का सा लिक्विड यहां पे है, सीम्स लाइक लिक्विड ऑलरेडी जा चुका है। एंड जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा लिक्विड यहाँ पे है, तो क्लियरली आपको इस फोन को लिक्विड से दूर रखना चाहिए। चलिए सिम ट्रे से स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी सिम ट्रे की क्या कहानी है। कि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, एक्सीडेंटली उसको बेंड कर देते हैं, बिट ऑफ डैमेज हो चुका है, और ट्राई करते हैं दूसरे डायरेक्शन में। सिम ट्रे आसानी से डैमेज हो चुका है, प्रॉब्ली आप इसमें सिम भी नहीं लगा पाएंगे। ऑन दी फ्रंट यहाँ पे आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलेगा। हाउ अबाउट दी फ्रेम, कंप्लीट प्लास्टिक, उस पर एक पाउडर टाइप का पेंट निकला है। रिसेंटली हमने माइक्रोमैक्स के फोन पे ऐसा ही देखा था। बटन्स यहाँ पे मेटल के बने हैं एंड उस पर पेंट जॉब है। बटन्स काफी टाइटली फिट किए गए हैं एंड बाहर नहीं आ रहे हैं। अबाउट दी कैमरा फ्रेम, प्लास्टिक फ्रेम, उसके ऊपर एक स्टेनलेस स्टील लाइक पेंट जॉब। अराउंड एक्चुअल कैमरा लेंस यहाँ पे एल्युमिनियम है एंड इसके ऊपर एक ब्लैक पेंट जॉब है, ये भी डेफिनेटली प्लास्टिक होना चाहिए। एलईडी फ्लैश का सेपरेट कटआउट होना चाहिए। ये पेस क्विल की ओपनिंग काफी टाइनी है, सो मोस्ट लाइकली कीज एंड कॉइंस ये डैमेज नहीं होना चाहिए एंड देन ये डेफिनेटली प्लास्टिक का होना चाहिए। इट्स मेड फ्रॉम प्लास्टिक, नो बिग डील, क्योंकि ये काफी स्लिम है। वन प्लस का लोगो जो मोस्टली सेंटर पे हुआ करता था, अब ये मिडिल में आ चुका है। हम भी अपने वन प्लस का लोगो बनाते हैं यहाँ पे। आर्ट मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट था, बट आई थिंक अब मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली इन जस्ट 7 सेकेंड पिक्सल यहाँ पे कंप्लीटली बर्न हो चुके हैं एंड रिकवर भी नहीं होंगे, और यहाँ पे परमानेंट सा बर्न का मार्क भी है। यूजली 15 to 20 सेकेंड लगते हैं डिस्प्ले को बर्न होने में, यहाँ पे लीस्ट लगा है जस्ट 7 सेकेंड। अगर आप क्लोजअप पे देखेंगे ग्लास में ऐसे कट मार्क्स नहीं पड़ते हैं, जनरली वहाँ पे फ्लैट बर्न होता है, इस तरह का अनयूजुअल बर्न नहीं होता है। ग्लास क्वालिटी अगर हम यहाँ पे स्क्वैश टेस्ट परफॉर्म करें यूजिंग मूव्स स्केल्स ऑफ हार्डनेस से, रिजल्ट काफ़ी सिमिलर मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए। कंपनी ने यहाँ पे ऐसा कहा है कि गोरिल्ला ग्लास का वर्जन 5 यूज़ किया गया और रिसर्च का पैटर्न वैसा ही है। टिल द लेवल 5 कोई भी स्क्रैच नहीं है, 6 पे स्क्रैचेस माइनर है एंड 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। जो बिग कैमरा लेंस है वहाँ पे भी स्क्रैच के पैटर्न यूजुअल जैसा होना चाहिए। लेवल 5 पे कोई स्क्रैच नहीं है, 6 पे माइनर है और 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। टाइम फॉर दी बेल्ट टेस्ट, लेट्स सी क्या फोन में कोई स्ट्रक्चरल वीकनेस है कि नहीं है। एज यूजुअल फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बेंड करेंगे। हियर वी गो, 3 2 1। फोन में फ्लेक्स तो है, परमानेंट सा डिफॉर्मेशन भी हो गया है, पर तो उतना मेजर नहीं है कि फ़ोन में कुछ क्रैकिंग या ब्रेकिंग की साउंड आई हो। डिस्प्ले अभी भी इसका परफेक्टली ओके है एंड वर्क कर रहा है। बैक साइड से बेंड करते हैं, लेट्स फाइंड आउट, 3 2 1। काफ़ी अनयूजुअल फ्लेक्स है, बट ये POLED है जैसा हमने रिसेंटली मोटो G50 में देखा है। ये स्टैंडर्ड AMOLED पैनल है। बेंड में एज सच कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है और फोन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। एट द लास्ट हमें ड्रॉप टेस्ट भी परफॉर्म करना है एंड लेट्स सी फोन किस कंडीशन में है। ये गोल्डन स्पॉट तो परमानेंट सा हो गया है,
जा भी नहीं रहा है। स्क्रीन फ्रंट से तो ओके है, ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ बर्निंग है, बट इनसाइड द एमोलेड डिस्प्ले आई मीन बर्न हो चुका है। लिक्विड टेस्ट किए हुए ऑलमोस्ट 12 आवर से ज़्यादा हो चुके हैं, कोई एज सच विजिबल डैमेज नहीं है। लेट्स सी, डिफरेंट एंगल से ड्रॉप करते हैं, डिफरेंट हाइट से। गोरिल्ला ग्लास 5K प्रोटेक्शन है, फ्लैट स्क्रीन के फोन, फ्लैट फ्रेम के फोन जनरली ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं इन टर्म्स ऑफ ड्रॉप में। लेट्स वेरीफाई इट, फर्स्ट वेस्ट हाइट, सेकेंड ड्रॉप, कॉर्नर से ड्रॉप नंबर 3, अनदर कॉर्नर एंगल, फोर्थ ड्रॉप, ड्रॉप नंबर 5 एंड द ड्रॉप नंबर 6 फ्रॉम द स्क्रीन साइड। ओके, लेट्स सी फोन किस कंडीशन में है। हमने डिफरेंट एंगल से ड्रॉप किया है एंड एज सच कोई भी डैमेज नजर नहीं आ रहा है। स्क्रीन परफेक्टली ओके है, कॉर्नर पे यहाँ पे एक डेंट है, अदर देन दैट कोई ऐसा डैमेज नहीं है, फोन परफेक्टली ओके है। अब सेम टेस्ट हम अराउंड 5.58 से परफॉर्म करते हैं, यहाँ से फोन को ड्रॉप करते हैं डिफरेंट एंगल से। लेट्स सी अराउंड 5.5 फीट हाइट, ड्रॉप नंबर 1, ओके, ड्रॉप 2, हर बार कॉर्नर से ही ड्रॉप हो रहा है। एक इंस्टेंटली कॉर्नर से भी ट्राई करते हैं, फ्लैट कॉर्नर से, ओके, सेकेंड लास्ट ड्रॉप टेस्ट, रियर साइड, एंड दी लास्ट ड्रॉप टेस्ट फ्रॉम द स्क्रीन साइड। साइड से इंपैक्ट हुआ था, हम फ्लैट ड्रॉप करते हैं, ओके, लेट्स सी, फोन परफेक्टली ओके है। डिफरेंट एंगल से ड्रॉप करने के बाद भी थोड़ा सा लाइट वेट फोन है, प्लास्टिक बिल्ड कंस्ट्रक्शन है, इसलिए ऐसा कुछ मेजर डैमेज हुआ नहीं। एंड गोरिल्ला ग्लास 5 है जो कि थोड़ा सा ज्यादा बेटर होता है। क्वालिटी वाइज तो ओके दिख रहा है, बट ओनली कौन से इस प्राइस में एटलीस्ट मेटल फ्रेम और ये सब चीजें तो मिलनी चाहिए, बट क्लियरली चीप फील हो रहा है, बट यस स्टिल इट्स अ ड्यूरेबल वन प्लस फोन।